वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे एलआईसी का आईपीओ वापस लो, वापस लो, वापस लो। एलआईसी में निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज एलआईसी में समस्त कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, NFIW, नेशनल फील्ड वर्कर्स और क्लास वन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो तीनों संयुक्त मोर्चा है, उनके आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर आज लंच भोजनावकाश के दौरान सभी कार्यालयों पर, LIC के कार्यालयों पर वेज रिवीजन को लेकर, वेतन पुनर्निर्धारण, पेंशन में सुधार और LIC का जो IPO जारी किया गया उसके संबंध में आज हमने द्वार प्रदर्शन किया पूरे भारत में। और हमारा वेतन मांग पत्र जो 1/8/2017 से ड्यू है, और उसके बाद गत वर्ष मार्च माह में प्रबंधन द्वारा हमसे एक बार ही वार्ता की गई और उसके उस टाइम में हमें 10% का एक ऑफर भी दिया गया, जिसे संयुक्त मोर्चा ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेशन के सही के अनुसार नहीं है। हम जिस आज LIC जिस तरीके से तरक्की और ग्रोथ, करीबन 17 पॉइंट से ज़्यादा की ग्रोथ है अभी, जबकि GDP देश का 4.5% ही है, उसके बावजूद बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत अच्छी तरक्की उन्नति कर रहा है, और ये सब कर्मचारियों के अथक प्रयासों से है कि हमारा संस्थान इतना ऊंचाई पर पहुंचा है। तो हम चाहते हैं कि उसी अनुसार हमारा जो वेतन मांग पत्र है उसी अनुसार हमें दिया जाए, और साथ ही हम जो पेंशन है उसमें भी सुधार चाहते हैं, उसमें अपडेशन चाहते हैं, कुछ कमियां हैं उसमें। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो दोनों बेहद इम्पोर्टेंट मांग है कर्मचारियों से संबंधित, उसको LIC प्रबंधन इस पर ध्यान दे और सरकार उस पर ठप्पा लगाने का काम करे, ताकि कर्मचारियों में मतलब एक अच्छा मैसेज आए। और साथ ही अभी जो बजट के दौरान IPO भारत सरकार ने जारी करने की घोषणा की है, तो उसके विरोध में भी हम ये बोलना चाहते हैं कि जब ये संस्थान, इतना बड़ा संस्थान जिसने देश की तरक्की में, सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं समझते हम, क्योंकि ये सीधे सीधे एक निजीकरण की ओर ले जाने का काम है, प्राइवेटाइजेशन का काम करने का काम है, तो हम ये चाहते हैं कि इस पर भी भारत सरकार रोक लगाए। ये हमारी अहम मांगे है जिनको लेकर आज हमने द्वार प्रदर्शन किया, और अब 16 तारीख को लंच के दौरान भोजनावकाश 1:15 से 2 के मध्यांतर हम वापस द्वार प्रदर्शन करेंगे, और 17 तारीख को 12:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक हम 1 घंटे का काम का बहिष्कार कर 1 घंटे की हड़ताल करेंगे। सुनीत पुट्टी, मंडल सचिव, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन।